ऐसे कि दोस्तों फाइनली होंडा ने अपनी इस एसयूवी को कर दिया है भारतीय बाजार में लॉन्च। अब आप ले सकते हैं मार्केट में जाके। तो चलिए जानते कौन सी एसयूवी, क्या है फीचर्स, क्या है कीमत। होंडा कार इंडिया ने ऐलान किया है कि वो अपनी बहुमूल्य एसयूवी होंडा WRV के फैसले की कीमत का खुलासा 4 जुलाई को करने वाली है। कंपनी ने आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी है कि महामारी के कारण 2020 WRV फैसले के लॉन्चिंग में काफ़ी देरी पहले ही हो चुकी है। कंपनी अब इसे सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाली है। हाल ही में नई WRV फैसलिफ्ट की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिससे इसकी बहुत सारी जानकारी सामने आ गई है। नई अपडेट्स कार होंडा डीलरशिप्स पे अब पहुंच चुकी है। नई होंडा WRV फैसलिफ्ट में लुक और स्टाइल और इंटीरियर और इंजन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी अब मिल गई है। इंजन की बात करें तो 2020 होंडा WRV फैसलिफ्ट में दो इंजन ऑप्शन पेट्रोल तथा डीजल आप सभी को मिलने वाले हैं। ये इंजन BS6 ईंधन उत्पाद मानकों वाले है। 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन आपको 89 bhp की पावर और 110 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। वहीं दोस्तों इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें यानी 1.5 लीटर के डीजल इंजन ऑप्शन की, वो आपको 99 bhp की पावर और 200 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। दोनों ही इंजन में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलने वाले है। डीजल इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअली गियरबॉक्स का विकल्प मिलने वाला है। हालांकि इस इंजन को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। अब दोस्तों स्टाइल और लुक की बात की जाए तो हाल ही में होंडा ने अपनी होंडा WRV आधिकारिक लॉन्चिंग को पूरा कर दिया है। वेबसाइट पर इसकी तस्वीरें जारी हो चुकी है, जिसमें अपकमिंग 2020 होंडा WRV के फैसले वेरिएंट को दिखाया गया है। नई होंडा WRV में आपको मल्टीपल हॉरिजेंटल सेंट्रल के साथ नए बोल्ड फ्रंट ग्रिल और साथ ही नई मल्टीपल स्लेट ग्रिल देखने को मिलती है, जिसने गाड़ी का फ्रंट लुक पूरा ही बदल दिया है। साथ ही साथ दोस्तों नई होंडा WRV में आपको ब्लैक स्टाइल के साथ नए LED फॉग लैंप्स हाउसिंग दी गई है, जिससे कार पहले के मुकाबले ज़्यादा बोल्ड नज़र आती है। अपडेट WRV में आपको इंडिकेटर, डे टाइम रनिंग लाइट्स और प्रोजेक्टर लैम्प के साथ LED प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स मिलते हैं। पीछे की बात करें तो दोस्तों पीछे की तरफ इसमें आपको अपडेट सी शेप LED रियर कॉम्बिनेशन लैम्प्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर फीचर्स की बात करी जाए तो 2020 होंडा WRV के इंटीरियर को नयापन देने के लिए इसमें मामूली बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इंटीरियर में होने वाले बदलाव आने वाली नई जैस के जैसे ही होने वाले हैं। इसमें नई अपहोल्ड सीट समेत कुछ अन्य अपडेट्स किए गए हैं। इसके अलावा नई होंडा WRV में आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले स्पोर्ट के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ रियर कार AC वेंट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, डुअल फ्रंट एयरबैग्स ABS के साथ EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरे जैसी फीचर्स को मौजूद करवाया गया है। दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि होंडा ने अपनी WRV को अपडेट करके अब नए फैसले वेरियंट के साथ मार्केट में लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। और ये कार दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ मार्केट में आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इसकी लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप इस कार को अपने लिए लेना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी सिटी का नाम और अपना नाम लिख के हमें कमेंट करिए, ताकि मैं आप सभी को आपके नज़दीकी शोरूम का एड्रेस दे पाऊँ। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।